दे हाँ, सकते हो? वो आप सर्वोदय नेता लोगों जो भी अपने अपने कार्यकर्ता है, ओके। हाँ आप ये शक्ति, ये नेचुरल फ्लो है। पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि ये बिल्कुल नेचुरल फ्लो है, और नेचुरल फ्लो नेचर के साथ ही जाती है। देखो, जो मैंने आपको पहले एक वर्ड बोला था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब ये है कि ब्रह्मांड में जो जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी हमारे इतने छोटे से शरीर में भी है। आपको ये जो षड द्रव्य या पंच तत्व, जो आप अग्नि का है, पृथ्वी का है, अप का है, तेउ का है, वायु का है, हम ये सब बोलते हैं ना, ये सारा जो ब्रह्मांड से जो हमें मिलता है ना, वो हमारी बॉडी उसी में से लेके हमारा बॉडी उसको बनाता है, वो शरीर को बनाता है, और हमारा बॉडी उसके बगैर तो चलता ही नहीं। तो नेचुरली कि जो चीज हम गेन करेंगे, हम ज्यादा लेंगे ये ओम करके, तो आपके हमारे शरीर के अंदर जो खाने पीने से या सोचने से या नेगेटिव एक्टिविटी से जो भी नेगेटिविटी स्टोर हुई है, उसको तो ये पॉजिटिविटी हटाएगी ही हटाएगी, आपका तो वो प्लस करेगी करेगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे पानी का घड़ा कैसा होता है, हमने पानी भर दिया और भरने के बाद ही हम उसमें डाल रहे हैं, तो वो सारा पानी फ्लो होता है, वो सारा पानी, वो घड़े में जगह नहीं है तो अब वो बाहर ही फ्लो होगा। तो इस हिसाब से आप जितनी एनर्जी लोगे वो आपकी आसपास की ऑरा में फ्लो होती जाएगी, वो होती जाएगी, और जैसे जैसे वो फ्लो होगी आपके 5 फुट नियर बाय जो भी खड़ा होगा ना, उसको वो एनर्जी मिलेगी मिलेगी। कभी ऐसा भी होगा कि वो व्यक्ति आपसे इरिटेट होके वहां से दूर चला जाए, अगर जिसको ये एनर्जी नहीं चाहिए, वो जो लेना नहीं चाहता या जो जिसके लिए अभी वक्त नहीं आया है, वो आपके सामने आके वो खड़ा भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो भाग जाएगा, उसको ये एनर्जी बैर नहीं कर पाएगा। वो पॉजिटिविटी भी बैर कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो भी उसके अपने शरीर के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए आप किसी और को भी दे सकते हो, आप नाम लेके भी पहुंचा सकते हो, अगर नहीं लोगे तो आपके आसपास के लोगों को तो वो मिले। परिवार में जो एक कुछ खाली रहती है समानता, सबके स्वभाव में समानता आ जाएगी। ब्रह्मांड में हर चीज को सरप्लस किया जाता है, मतलब अगर कोई खाली है तो उसको भरो, मतलब हर चीज समान रूप में ब्रह्मांड में पड़ी हुई। जैसे 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात्रि, जैसे एकदम गाढ़ा अंधकार है, ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रकाश भी, हर चीज उसमें समानता वाली भरी होती। तो वो भी जो एनर्जी आपके बॉडी में आएगी वो आपके बॉडी में समानता ही करेगी, वो वही कोशिश करेगी कि जो सरप्लस है उसको प्लस करो, जो माइनस हो गया है उसको जैसा है उसे वैसा रखो, बस जो जैसा जरूरी है उसे वैसा रखो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एनर्जी अपने आप आपके बॉडी को प्लस सरप्लस करती जाएगी। बोलिए, आगे किसी को कुछ पूछना था? आज हम प्रवीण भाई स्टार्ट करी थे जो रिकॉर्डिंग, आज हम ऐसे टॉपिक पर जाएंगे जो टॉपिक हमारा वैसे कंटिन्यू ही है, कोई नया तो है ही नहीं, जो 6 शरीर वाला जो टॉपिक था उसी में हम आज आगे कंटिन्यू जाएंगे। वो 6 शरीर वाले हमारे जो टॉपिक है उसमें से दो शरीर में हमने बहुत कुछ जान लिया। अब आज हम आगे जानेंगे वो है हमारा इंद्रियों का शरीर। इंद्रियों, आप जानते हो कि हमें 5 इंद्रिय मिली हुई है। 5 इंद्रिय का आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं। 5 इंद्रिय कही जाती है, नॉर्मली हम सब ये सीखे हुए हैं, फिर भी आपको याद दिला देती हूँ। एक तो पहली होती है स्किन, हमारी चमड़ी, उसके बाद दूसरी इंद्रिय है हमारी रसना माने जीवहा, स्वाद, उससे आपका स्वाद आएगा, उससे आपका बोलना आएगा। ज्ञानेन्द्रिय कही गई है, ये 5ों को ज्ञानेन्द्रिय कही। स्पर्श से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है, उसका ज्ञान मिलता है हमें। हमारी इसी 5 हरेक इंद्रियों से कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है, उससे हम कुछ ज्ञान स्टोरेज करते हैं। जैसे हमको नहीं पता था कि भाई ये करेला ऊपर से खरबचड़ा होता है, अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो पहले उसको छुएगा स्पर्शनेन्द्रिय से, तो उसे पता चलेगा कि ये उसकी सरफेस तो बहुत ही अनइवन है, करेला सब्जी आता है ना वो। उसके बाद दूसरा टेस्ट वो टेस्ट करेगा,
टच करेगा तो उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत कड़वा है, मेरे मुंह से डालते हुए मेरे को स्वाद उसका अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये नॉलेज हो गया कि भाई खाने से किसी चीज में कड़वाहट आती है, खाने से किसी चीज में मिठास आती है, खाने की वजह से किसी चीज को हम खारा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा जिह्वा, हमारी ये इंद्रिय को एक और काम भी है, वो है बोलना, वचन, भाषा। किसी अलग अलग इंद्रिय, आपको ये पता होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 7-8 भाषा आती, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, बहुत सी ऐसे ऐसे मैंने लोगों को भी देखा जिनको 18-18, 20-20 लैंग्वेज आती। तो किसी को 20 आना, किसी को 2 ही आना, मुश्किल से 3 आना, चौथी समझ में भी नहीं आना, ये सारा आपका ये रसना ज्ञानेन्द्रिय का रिजल्ट। क्योंकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किसी को इतनी ज्यादा, किसी को कम, ऐसा क्यों होता है। उसके बाद आएगी आपकी नाक की इंद्रिय, ये नोज इंद्रिय, उसको बोल, उसका एक शब्द है घ्राणेन्द्रिय। घ्राण का अर्थ है स्मेल, स्मेल को पहचान लेते हैं हम कि भाई कहीं कोई चीज जल रही है, सब्जी जल रही है तो भी पता चल जाता है, कहीं कपड़ा जल रहा है तो भी मालूम पड़ जाता है कि जलने की बू कुछ और ही आती है। उसके बाद घ्राणेन्द्रिय से आप सांस लेते हो। देखो हर एक चीज में आपके पांचों इंद्रियों में नॉलेज भी है और पांचों इंद्रियों में आपके शरीर को पुष्टि भी देने का काम। कैसे? तो शरीर आपकी ये चमड़ी, स्पर्शन इंद्रिय पूरी चमड़ी है, आपकी बॉडी है, बॉडी का आउटर पार्ट है जो आपके शरीर के अंदर के सारे अवयवों को और सारी चीजों को संभाल के रख रहा है। ना कोई अंदर नेगेटिव या ना कोई मच्छर या कुछ काटे तो भी वो बाहर से ही रोक लेती है, वो चमड़ी से ही रुक जाता है, वो आपके अंदर की इंद्रिय तक, आपके अंदर के ऑर्गन तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह मेरा बोलना, मेरा बोलना, मेरा चखना, मेरा ये स्वाद, ये सारा मेरे शरीर को जो जो चीज पुष्टिकारक है वो खुराक भी मुझे लेना होगा, मेरे को मुंह से ही लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मेरे इसी शरीर को पुष्टि देने का कार्य है ये रसनेन्द्रिय का। हाँ, बोलना भी एक नॉलेज है जो ज्ञानेन्द्रिय है, मतलब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय, समझ रहे हो मेरी बात। हमारी इंद्रिय दो तरीके से काम करी, एक ज्ञान का काम करेगी, दूसरा कर्म का काम करेगी। तीसरा आया घ्राणेन्द्रिय, वो स्मेल का कार्य कर रही है, वो ज्ञान है भी कपड़ा जल रहा है या कोई फ्लावर की स्मेल है या कोई कहीं बदबू आ रही है या सुगंध आ रही है, वो सारा वो हमें बताता है। उसके साथ साथ घ्राणेन्द्रिय का एक और काम है, वो सांस लेना और छोड़ना, उसके ऊपर तो हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। आप 2 मिनट सांस लेना बंद कर दोगे या आपकी घ्राणेन्द्रिय को कोई तकलीफ हो जाएगी, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। उसके बाद है हमारी इंद्रिय आ रही है चक्षु इंद्रिय, वो चौथी है। जैसे जैसे एक एक जाएगी ना उसका महत्व बढ़ता जाता है। चक्षु इंद्रिय का ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसे उससे हर चीज को देख सकते हो, इस दुनिया को देख सकते हो। चक्षु इंद्रिय से हमारे शरीर की रक्षा होती है, आप चलते चलते गिरो नहीं या खड्डा है या नहीं वो देखने के लिए, या कोई आप कहीं पैर अगर स्टेप चढ़ना है तो दादर पगथिया आया या नहीं आया, वो सारा आपको चक्षु ही बताएगा। रोड क्रॉस करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, हर चीज में उसकी जरूरत पड़ती है। चक्षु नहीं है उसको पूछो तो पता चलेगा कि उसकी अहमियत क्या होती है। अच्छा, इस इंद्रिय का एक और काम है कि आपको किसी चीज का नॉलेज, मान लो कि कोई किताब पढ़ी है, आपको बिना देखे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किताब पढ़ी है या पेपर पढ़ा है या क्या पढ़ा हुआ है। आंखें ही बताती है कि ये किताब है या कौन सी लैंग्वेज है, या हिंदी में लिखी हुई किताब है या गुजराती में या इंग्लिश में, वो सारी चीज हमारी आंखों से ही मालूम पड़ता है। तो आंखों का काम है ज्ञान को, क्या है क्या नहीं, सब्जेक्ट को पढ़ना, पढ़ने का, रीडिंग का काम। उसके बाद है हमारी पांचवी इंद्रिय है श्रवणेन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय। इसके भी दो काम है, कर्मेंद्रिय के हिसाब से वो सुनने का कार्य कर रही है। आपको कहीं से आवाज आए तो मालूम पड़े कि आप कहाँ पे हो, आपके आसपास क्या है, झरना बह रहा है या पानी या ट्रेन की सीटी बज रही है तो इंजन या रेलगाड़ी आ रही है, वो सारी चीज का आपको पता चलता है। सुनना उसका मुख्य कार्य है। अच्छा, यहाँ ज्ञानेन्द्रिय क्या हुआ? ज्ञानेन्द्रिय में ये हुआ कि अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई तू
लाल रंग का घड़ा लेकर आ। मैंने एक एग्जांपल आपको इसलिए दिया है कि आपको पूरा पता चल जाए। लाल रंग का घड़ा, अब लाल रंग का घड़ा है तो लाल रंग कैसे जानोगे? आंखों से जानोगे। घड़ा कैसे जानोगे, घड़ा कैसे पता है? किसी ने ऐसे ही बोल दिया घड़ा, तब आपके श्रोतेंद्रिय काम आएगी। श्रोतेंद्रिय ये सोचेगी कि मैंने पहले ये शब्द कहीं सुना है। अगर सुना है तो आप याद करोगे कि घड़ा किसको कहते। अगर नहीं सुना है तो आप पूछोगे कि भाई घड़ा का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता, पहले ये बताओ कि घड़ा का मतलब क्या है। अगर किसी ने पहले घड़े का मतलब बताया है तो आप श्रोतेंद्रिय से याद करोगे कि मैंने ये शब्द घड़ा तो सुना है, घड़ा क्या है। तब आपको याद आएगा कि वो मिट्टी का मटका आता है ना, उसको ही घड़ा बोलते हैं, जो मैं पहले मैंने बहुत बार देखा या मैंने खरीद कर लाया। तो अब आप खरीदने जाओगे तो मटका देखोगे और बोलोगे कि ये लाल रंग का ही चाहिए। इसमें आपके कितने इंद्रियों ने काम किया? श्रोतेंद्रियों ने काम किया, उसके बाद चक्षु इंद्रियों ने काम किया। तो अब मिट्टी का है या किस चीज का है वो स्पर्शेंद्रिय से जानोगे, या मिट्टी है या क्या है ना, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, वो सारी चीज हम अपनी इंद्रियों की वजह से ही जान पाते कि मुझे क्या चाहिए। अगर ये इंद्रियों का काम सिर्फ कर्मेंद्रिय का होता और अगर वो ज्ञानेंद्रिय नहीं होती तो आपको तो ये पता ही नहीं चलता कि